सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा ताकि आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाया जा सके। तो आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल पर एक टॉपिक कि कौन सी सभ्यता किस जिले में है या किस नदी के किनारे पर है। फिर एक बार और लेके आऊंगा तो किसकी क्या विशेषता है ये भी आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर हमें संकल्प के नोट्स चाहिए, तो सेकंड ग्रेड जीके के यदि आपको नोट्स चाहिए तो संकल्प की 18 बुकलेट आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। संकल्प ऐप गंगानगर, संकल्प ऐप गंगानगर को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर ई बुक के फोल्डर में आप जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे तो सभी 18 बुकलेट की पीडीएफ तो आपको उसी समय प्राप्त हो जाएगी, आराम से उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हार्ड कॉपी है वो 5 से 7 दिन में आपके घर पर पहुंच जाएगी और मात्र 1499 रुपए में। सेकंड ग्रेड जीके का आप ये फॉर्मेट ला सकते हैं, 18 बुकलेट आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो पीटीआई की 18 बुकलेट आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, यही ऑर्डर करेंगे 5 से 7 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। पीडीएफ आपको तुरंत प्रभाव से उसी समय मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं अपनी सभ्यता, काली बंगा सभ्यता घगर नदी के किनारे पर है। घगर नदी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ भी घगर के किनारे पर है। क्या काली बंगा, काले रंग की चूड़ियां, कुत्ता, पालतू जानवर, बहुत सारा कुछ है यहां सीखने के लिए, है ना। लेकिन अपना काम है केवल आज छोटा सा पार्ट लेके आना। तो काली बंगा सभ्यता घगर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ में, ए आहड़ सभ्यता ए आयड़ नदी के किनारे पर है। ए आयड़ नदी के किनारे पर आघाटपुर धूलकोट के नाम से जिसको जाना जाता है, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। और है कहां पर, उदयपुर में है। कहां, उदयपुर में। गिलूंड सभ्यता बनास नदी, बनास नदी राजसमंद, गिलूंड, कालीबंगा, घगर नदी, हनुमानगढ़, आहड़, आयड़, उदयपुर, गिलूंड, राजसमंद में बनास का उद्गम होता है ना, खमनोर की पाड़ी, बाला थल, बेड़च नदी पर उदयपुर में, बेड़च नदी पर उदयपुर में, बेड़च और आयड़ पर ही दोनों हैं, बाला थल और आहड़ दोनों ही कौन सी नदी पर है, बेड़च या आयड़ नदी पर, इसी को बोलेंगे आयड़ नदी। फिर उसके बाद ओझियाना सभ्यता कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा, एक को याद रखो दूसरा वैसे याद होगा, कोठारी नदी, भीलवाड़ा, ओजियाना सभ्यता, है ना, बागोर सभ्यता आएगा आगे वो भी आएगा, बागोर सभ्यता, कोठारी नदी, भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता, कोठारी नदी, भीलवाड़ा, थोड़ा सा अंदाजा, ओजियाना सभ्यता, कोठारी नदी, भीलवाड़ा, ओजियाना सभ्यता, भीलवाड़ा। अगर पूछे आपसे कालीबंगा तो आप कहोगे हनुमानगढ़, घगर नदी, आहड़ सभ्यता, आयड़ नदी, उदयपुर। आपसे पूछे आहड़ के अलावा और कौन सी है तो आपके देना बालाथल सभ्यता, और ओजियाना और बागोर सभ्यता दोनों ही भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। बी बेराट, बी बाण गंगा, बेराट तो बाण गंगा, बेराट पर दया की राम ने, दया राम सानी ने खोज की थी ना, वो वाली सभ्यता। नालिया सर सभ्यता सांबर जयपुर में है, नालिया सर सांबर जयपुर में है। गणेश्वर और सुनारी दोनों ही कांतली नदी पर है, लेकिन याद रखना गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। कांतली का उद्गम खंडेला, मंडेला जिसका उद्गम होता है खंडेला पाड़ी विलुप्त हो जाती है मंडेला नामक स्थान पर, वो वाली सभ्यता। नगरी सभ्यता बेड़च चित्तौड़ में, बेड़च नदी चित्तौड़, नगर टोंक में, नगर सभ्यता टोंक में, नगरी चित्तौड़ में, याद रखिएगा। नो है सभ्यता भरतपुर में, रूपारेल नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे नो है सभ्यता स्थित है, सीकरी बांध है, मोती झील है, तो नो है सभ्यता कहां पर है, रूपारेल नदी किनारे भरतपुर में। अब मैं कहता हूं आप कह दो, मैं कहता हूं कालीबंगा तो आप कहोगे कालीबंगा हनुमानगढ़ घगर नदी, आहड़ आयड़ उदयपुर, बालाथल आयड़ बेड़च उदयपुर। आपसे मैं कहता हूं गणेश्वर और सुनारी सभ्यता कांतली नदी पर, गणेश्वर कहां है सिक्कर में, सुनारी सभ्यता कहां पर है झुंझुनू, गणेश्वर नीम का थना सिक्कर में है। फिर उसके बाद में नालियासर सभ्यता सांबर जयपुर में है, एक जोधपुरा सभ्यता भी जयपुर में है, जोधपुरा भी जयपुर में है, साबरी नदी के किनारे पर है।
जोधपुरा जयपुर, जोधपुरा जयपुर, याद रखना जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है। तिलवाड़ा मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला, लेकिन तिलवाड़ा सभ्यता भी लूणी नदी के किनारे पर बाड़मेर में है। आरबुद चंद्रावती सिरोही के नाम थे ना, आरबुद चंद्रावती, बस वैसे जोड़ लो अपने तो। आर्य सभ्यता आर्य आर्य अनूपगढ़ में है, आर्य अनूपगढ़ में है। सोंथी तो बीकानेर में है, सोंथी सभ्यता बीकानेर में। ओला सभ्यता जैसलमेर में, ओला सभ्यता जैसलमेर में। ए आर्य ए अनूपगढ़, सोंथी बीकानेर, ओला जैसलमेर, ओला जैसलमेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, चंद्रावती तो सिरोही का नाम था, चंद्रावती तो सिरोही का नाम था। कालीबंगा बोले तो हनुमानगढ़ है, आहड़ उदयपुर है, गिलूड राजसमंद बालाथल उदयपुर है, ओजियाना भीलवाड़ा में, बागोर भीलवाड़ा में, बेराट पर दयाराम ने की थी जयपुर में, और नालियासर सभ्यता सांबर जयपुर में, तो गणेश्वर सुनारी सभ्यता कांतली नदी, लेकिन गणेश्वर सिक्कर नीम का थाना सिक्कर पूछ ले कहां पर, तो नीम का थाना सिक्कर ये स्थान पूछा जाता है, नीम का थाना सिक्कर। सुनारी सभ्यता कांतली नदी, झुंझुनू नगरी सभ्यता चित्तौड़, और नो है भरतपुर में है। जोधपुरा जयपुर में साबी नदी के किनारे पर, तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी बाड़मेर, चंद्रावती सिरोही, आर्य अनूपगढ़, सोंथी बीकानेर, ओला जैसलमेर में है। भीन माल जालोर, ये तो नाम ही पता है कि भीन माल जालोर में है। इसवाल उदयपुर में है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में, बालाथल उदयपुर में, इसवाल उदयपुर में, इसवाल उदयपुर में है। जहाजपुर भीलवाड़ा, जहाजपुर भीलवाड़ा, खिराड़ माल खिराड़ बोलियां बोलते हैं ना अपनी, जहाजपुर तिपटिया कोटा में, तिपटिया पटिया तिपटिया कोटा में है, कोटड़ा कोटा में नहीं, कोटड़ा झालावाड़ में है, कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ में, आलणिया कोटा में, तिपटिया कोटा में, कोटड़ा झालावाड़ में, लेकिन आलणिया सभ्यता कहां है, कोटा में, आलणिया कोटा में है। जहाजपुर भीलवाड़ा, इसवाल उदयपुर, भीनमाल जालोर में है। तीस सभ्यताएं लिखे हैं, डंडीकर सभ्यता अलवर, डंडीकर अलवर, डंडीकर अलवर, डंडीकर अलवर कर, डंडीकर अलवर, गुरारा सिक्कर, गुरारा सिक्कर, गुरारा सभ्यता सिक्कर, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर, रंग महल तो हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है। अगर पूछे पीलीबंगा सभ्यता कहां है तो भी कह देना हनुमानगढ़, कालीबंगा भी हनुमानगढ़, रंग महल भी हनुमानगढ़, और ये कालीबंगा, रंग महल, पीलीबंगा कौन सी नदी के किनारे पर है, घग्गर नदी के किनारे पर है। रेड सभ्यता निवाई टोंक में है, रेड टोंक में, नगर भी उनियारा टोंक में, लेकिन नगरी चित्तौड़ में है, नगरी चित्तौड़ में, याद रख लेना। गरड़दा सभ्यता छाजा नदी के किनारे पर बूंदी में है, छाजा नदी के किनारे पर बूंदी में है, कि गरड़दा सभ्यता कहां है, छाजा नदी के किनारे बूंदी में। नगर टोंक नगरी चित्तौड़, ओझियाना सभ्यता कहां है, ओझियाना बताइए साथ में, डंडीकर अलवर में है, गुरारा सभ्यता सिक्कर में, पीलीबंगा कालीबंगा रंग महल सभी हनुमानगढ़ में है। कोशिश करेंगे तो याद होगा, ऐसा नहीं है कि ना याद हो, 100% याद होगा, मेरे साथ दोहराते रहिए। अब मैं कहता हूं कि गंगानगर में कौन सी है, आर ये अनूपगढ़, बीकानेर में कौन सी है, सोंथी, जैसलमेर में कौन सी है, ओला, बाड़मेर में तिलवाड़ा, जालोर भीनमाल, जालोर में भीनमाल, सिरोही का तो प्राचीन नाम था ना, चंद्रावती सिरोही, चंद्रावती सिरोही, चंद्रावती सिरोही, ऐसे याद रख लो। उदयपुर में आहड़ है, बालाथल है, इसवाल है, फिर उसके बाद में चित्तौड़ में नगरी सभ्यता, जहाजपुर सभ्यता भीलवाड़ा, जहाजपुर सभ्यता भीलवाड़ा, और कौन सी है भीलवाड़ा के अंदर, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, जहाजपुर सभ्यता भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, जहाजपुर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा, और अगर कोई पूछे भीलवाड़ा में और कौन सी है तो आप ये कह देना ओझियाना सभ्यता भी भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा, तिपटिया कोटा में, लेकिन कोटड़ा झालावाड़ में, तिपटिया आलणिया
तिपटिया, आलणिया, कोटा, कोटड़ा, झालावाड़ भी इसे याद रखो। विराट सभ्यता जयपुर में है, विराट जयपुर में है। अगर कोई पूछे विराट सभ्यता तो जयपुर में है, ये याद रखिएगा। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर में है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर में है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। हनुमानगढ़ में घगर नदी के किनारे पर कालीबंगा पीलीबंगा रंग महल सभ्यता है, कालीबंगा पीलीबंगा रंग महल सभ्यता है। राजसमंद में गिलूंड सभ्यता है, नगर सभ्यता टोंक में है, नगर सभ्यता टोंक में है। नगर सभ्यता पूछ ले तो टोंक में है, लेकिन नगरी चित्तौड़ में याद रखिएगा नोह भरतपुर में है। अगर आपसे कोई पूछे कि आलणिया सभ्यता तो कोटा के अंदर है, आलणिया कोटा में है। नगर टोंक में, उनियारा टोंक में, और रेड सभ्यता भी टोंक में है। तो बार बार यदि दोहराया जाए तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि याद ना किया जा सके। 8:30 की क्लास भी एक दो दिन और थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्टिव बुक में लगा हुआ हूं, 2-3 दिन लगेंगे उसमें कंप्लीट होते ही, फिर अपने 8:30 की क्लास में भी वापिस जुड़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं को शेयर करिएगा। और यदि कोई सेकंड ग्रेड या पीटीआई की बुकलेट परचेज करना चाहे तो आज ही ई बुक के फोल्डर में जाकर के वो परचेज कर सकता है, घर बैठे उसको 5-7 दिन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।